राधावल्लभ श्री हरिवंश, जैसा कि दिवाली आने वाली है तो कमेंट में सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे पास पिछले साल की दिवाली की लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो खंडित नहीं हुई हैं ना ही किसी प्रकार से खराब हुई हैं, तो क्या हम इन्हीं पुरानी मूर्तियों में जो है इस दिवाली की पूजा कर सकते हैं या नहीं, या फिर हर साल नया लाने का नियम है, क्या है सही जानकारी, इसी बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो है अगर हम मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं तो जाने अनजाने इनके प्रति हमसे कुछ अपराध बन जाते हैं जिनसे हमारे पुण्यों का नाश होता है, ठीक है, फिर लक्ष्मी आना तो दूर जो है लक्ष्मी रुष्ट भी हो सकती है, तो कौन सी गलतियां नहीं करनी है यह बात करेंगे। साथ ही साथ लोग हर दिवाली में एक चांदी का सिक्का लाते हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश का चित्र बना होता है, उसे हर साल नहीं लाना चाहिए, इस बारे में मेरे अपने कुछ विचार हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस चांदी को सिक्के का हर साल लाने का क्या नुकसान है, तो वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो है एक प्रचलन चला हुआ है लोगों में अंधविश्वास कि उनके पास चांदी के पीतल के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां होती हैं फिर भी वो मिट्टी की हर साल नई मूर्तियां लेके आते हैं, ये सोच के कि हर साल लक्ष्मी लानी चाहिए घर से, लोगों का कहना है कि हर साल लक्ष्मी आए, मतलब मिट्टी की मूर्तियों के रूप में हर साल लक्ष्मी आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधविश्वास है कोरा, ठीक है। अगर घर में जो है चांदी की पीतल की लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं तो मिट्टी की लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज है कि मिट्टी की मूर्तियां लाने का प्रयास कम ही करना चाहिए, पैसे जोड़ करके कोशिश ये करना चाहिए कि पीतल की बहुत सी सुंदर जो है लक्ष्मी गणेश की ऐसी मूर्तियां लानी चाहिए जिनका आप श्रृंगार कर पाए, बढ़िया वस्त्र माला चुनरी ओढ़ा पाए, जैसे कि लड्डू गोपाल की सेवा होती है, मतलब इतने कम से कम, बहुत ऊंचे नहीं लाने चाहिए, मतलब इतना आप देख लीजिए वो होता है तो इतना ही नाप का, बहुत बड़ा नहीं, तो इस तरह की मूर्तियां लाओ जिनको बढ़िया आप श्रृंगार कर सको। क्या होता है कि अगर हम हर साल नई मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं उनमें प्रेम जुड़ जाता है, ठीक है, प्रेम भाव जुड़ जाता है, फिर उनको विसर्जित करने में मन नहीं लगता, बड़ा दुख समय से होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, लगातार पूजा करते करते हमारी जो मूर्तियां होती हैं वो सिद्ध हो जाती हैं, उनमें सचमुच में भगवान का वास हो जाता है, ठीक है, हम मंत्र जप करते हैं उनको जल सब कुछ अर्पित करते करते जो है वो सचमुच मतलब भगवान हमारे घर में निवास करने लगते हैं, तो उनको जो है बार बार बदलना ठीक नहीं कि हर साल आप मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि उसमें भी भगवान का हमारा भाव जुड़ जाता है तो उसमें भी भगवान का वास हो गया, तो आपको ऐसी ही मूर्तियां लानी चाहिए जो कि आप ना केवल खुद बल्कि आपके बच्चे दर बच्चे यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वही पूजा करते रहें, और हर साल लाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा जो लोग बेचते हैं हो सकता है उनका नुकसान हो, तो कम से कम आप उनसे दीपक जरूर मिट्टी के ले लिया करें, बढ़िया सजे सजाए जो आते हैं तो उनका भी नुकसान नहीं होगा, और क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है परोपकार से भी प्रसन्न होती है, उनका खरीद लेंगे तो उनका भी रोजगार चलेगा, तो ये भी ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन मिट्टी की मूर्तियां अगर हर साल लानी, किसी की नहीं है हैसियत कि वो पीतल की मूर्तियां ले आ पाए, तो उनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए अगर खंडित नहीं है तो आप जो है उन्हीं में पूजा कर सकते हैं हर साल, ठीक है, जब तक खंडित नहीं है, लेकिन हर साल ही उनको विसर्जित करना उत्तम होता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों के रंग थोड़ा थोड़ा छूटने लगते हैं, फिर साल के आधे में अगर कहीं से रंग निकल गया, क्योंकि कलाकारी कितनी भी अच्छी मिट्टी की मूर्तियां हो कुछ ना कुछ उनका छूटने लगता है, मिट्टी का ऐसा स्वभाव ही होता है, ठीक है, तो बीच में छूटेंगी, फिर आपको उनको विसर्जित करना पड़ेगा, फिर खंडित होंगी, इसलिए जो है जैसे ही आप नई मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं दीपावली में पूजा कर लेते हैं तो पुरानी मिट्टी की मूर्तियों को सम्मान पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। अब विसर्जित करते समय लोगों से बड़े अपराध बनते हैं जिनसे पुण्य समाप्त होते हैं, क्या होता है कि लोग पेड़ के पास छोड़ के चले जाते हैं, फिर किसी ऐसी मतलब नदी में जहां पे मतलब कचरा सा है नाला सा, मतलब नदी नहीं होती वो, बेकार से जल स्रोत में डाल के चले जाते हैं, ठीक है, तो अपराध बनता है, क्या होता है फिर जो है चील कौवे या फिर कुत्ते जो है पैर मार मार करके रोड में पहुंचा देते हैं उन मूर्तियों को, फिर बारिश हो रही दुर्दशा सी लगती है जो है उन मूर्तियों को देखते हैं आते जाते लोग, ठीक है, जिनकी हमने पूजा करी जिनसे हमारा प्रेम जुड़ा है वो ऐसे अगर मतलब फेंके फेंके से जाते हैं तो ठीक नहीं, आपके पुण्यों का नाश होता है, जिनके पैर लग रहे हैं उनका तो शायद कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आपका बहुत ज़्यादा बिगड़ता है, फिर लक्ष्मी ऐसे में आना तो मुश्किल है, और रुष्ट होती हैं जिन विग्रहों की आपने सेवा की, क्यों, हम फूल भी भगवान को चढ़ाते हैं उनका प्रसाद में अगर पैर लग जाए तो पुण्यों का नाश होता है, फूल भी चढ़ाते हैं बड़े सम्मान से विसर्जित करते हैं, तो जिनकी पूजा करी है सोचिए उनके उन विग्रहों को पेड़ के पास छोड़ आने से कितना ना आपका पुण्य का नाश हो जाता है, अगर जब हो ही जाती है वहां दुर्दशा बारिश हो रही है अब किसी प्रकार से, तो फिर आपको क्या करना है कि ऐसी जगह पे आप गाड़ें जहां पे किसी का पैर ना पड़े, गड्ढा खोद करके पेड़ों के नीचे डाल के ना आए बल्कि गड्ढा खोद करके उनमें दबा के आए, और जहां पे किसी का पैर ना पड़े, जहां पे कोई बाथरूम वगैरह ना करे कुत्ता या फिर लोग, ठीक है, ऐसी जगह होना चाहिए। फिर सबसे अच्छा तरीका घर में एक नया गमला लाना चाहिए और उसमें जो है आप हर साल विसर्जित करके जाएं, उसमें जो है फूल पौधा लगा लेंगे तो क्या है कि लक्ष्मी जी जो है एक स्वरूप में आपके घर में ही विराजमान रहेंगी, ठीक है ना, उस गमले के स्वरूप में, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि नदियों में भी लोग बहाने नहीं देते हैं, और अगर नदियों में बहाना है तो बहुत अच्छा बढ़िया साफ स्वच्छ जहाँ का जल रहता हो और बहाव में जो है आपको बहाना चाहिए ताकि वो बह जाए, नहीं कि वही मतलब कीचड़ में आप कहीं पर भी डाल के चले जाएँ फिर वो वही किसी के पैर में लग रहा है तो आपके पुण्यों का नाश होता है।
अब रही बात चांदी के सिक्के हर साल क्यों नहीं लाने चाहिए, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए ये मेरा अपना विचार है, आप सभी भी जो है अपने विचार इस पर बताइएगा मैं सही कह रही हूँ या नहीं, ठीक है। मेरा मानना ये, थोड़ा दूरदर्शिता से अगर सोचा जाए, हम क्या करते हैं कि जो चांदी का सिक्का उसमें फोटो बनी रहती है उनको ना तो विसर्जित किया जा सकता है ना तो उनको तुड़वाया जा सकता है बाद में, एक ला लिया तो वो तो ठीक है लेकिन बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं। अगर यही सिक्का आप प्लेन लाएं जिसमें चित्र ना बना रहे तो क्या होगा कि आप अगले साल जो है भगवान के लिए भोग लगाने के लिए उसकी कटोरी बनवा सकते हैं, उसका ग्लास बनवा सकते हैं, भगवान के लिए फिर भगवान की मूर्ति ही बनवा ली, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, है ना, बड़ी सी बनवा ली। लेकिन अगर आप वही चित्र बनवा करके लाते हैं वो चांदी का सिक्का तो फिर उसको तोड़वाना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें फोटो बनी हुई पूजा करी आपने, तो इसलिए जो है ऐसा काम करना चाहिए, चांदी या फिर पीतल की मूर्तियां ऐसी बनवानी चाहिए जिनकी पूजा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहे। साथ ही साथ एक और चीज होती है कि हम लक्ष्मी गणेश की अगर चांदी की मूर्तियां लाते हैं उनकी पूजा करके फिर तिजोरी में रख लेते हैं, अगर हम तिजोरी में रखते हैं मन में कहीं भाव फिर चांदी का जुड़ जाता है कि चांदी है, ठीक है, क्योंकि भगवान अगर हैं तो आप उनको मंदिर में विराजमान करिए ना, वो पूजा के लिए हैं। अगर जिनका भाव जुड़ा होता है विग्रहों से वो पूरा उनको भगवान समझते हैं, भगवान को अगर सखा समझते हैं, पुत्र समझते हैं, अपनी माता समझते हैं, तो वो ये ऐसा समझते हैं कि वो सांस भी ले रही हैं, ठीक है। और फिर अगर तिजोरी में रख रहे हैं तो आपने उनको चांदी समझ के रखा है तो चांदी को सुरक्षा दीजिए, ठीक है। कहना चाहूंगी कि जो भी आप मूर्ति लें चांदी के लिए चाहे सोने के लिए, उनको मंदिर में विराजमान करके वो पूजा करने के लिए होती हैं, तिजोरी में रखने के लिए नहीं। तो इस तरह से भगवान को मिट्टी या सोना चांदी मान करके घर नहीं लाना चाहिए, बल्कि स्वयं भगवान हमारे घर पधारे हैं ऐसा समझ करके उन्हें मंदिर में विराजमान करके प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए। इस समय बहुत ज़्यादा वृंदावन से तो इतना मतलब प्रचार मैंने देखा है, बहुत सुंदर सुंदर से लक्ष्मी गणेश की जिनका आप श्रृंगार हर रोज कर सकते हैं तो आप उनको मंगा सकते हैं। और दिवाली धनतेरस की मैंने पूजा विधि भी करके दिखाई हुई है, तो एक बार इन्हें देखने के लिए चैनल पर जरूर आइएगा। राधे राधे।